बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। अब मैं अभी तक बिग बॉस नहीं देखा, चलो दिखा देते हैं। चारों चल रहा है बिग बॉस का नाम, तो चलो बैटिंग मिला में हाथ धोते हैं एंड बनाते हैं बिग बॉस पर वीडियो। तो अभी के टाइम बिग बॉस का ऐसा है, सुबह उठकर सवेरे सवेरे ब्रश करते हुए अभी बिग बॉस चलता है, और दोपहर को खाना खाते वक्त भी बिग बॉस चलता है, सुबह को नहाते वक्त भी बिग बॉस चलता है। हद हो गई जब रात को सोते सोते भी बिग बॉस दिखता है, और कुछ लोगों को तो रात को नींद में सपने में भी बिग बॉस आता है। क्या ये जो बिग बॉस OTT का सीजन 2 है बड़ा ही हिट गया है, वो किस लिए? हमारे बंदे गए, एलिश भाई का इंसान हमारे बंदे गए। तो चलो अब जो हम करते हैं शुरुआत से शुरू, तो चलो सबसे पहले तो हमारे यूट्यूबर्स में से दो बंदे गए थे, एक थे फुकरा इंसान और एक थे पुलिस सुपरस्टार। पुलिस सुपरस्टार को तो 24 घंटे में ही निकाल दिया। देखो पहले तो बात सुनो, आपने अगर पुलिस सुपरस्टार का कंटेंट देखा हो तो क्रिंज कंटेंट तो नहीं है। तो कुछ बंदे होते हैं उनको क्रिंज बोलते हैं, हद तो तब हो गई जब क्रिंज से भी बेकार गाना गाने वाले इनको क्रिंज बोलते हैं। हाँ तो हम बात कर रहे हैं लॉर्ड पुनीत, पुनीत सुपरस्टार जो बिग बॉस में 24 घंटे में ही निकल गए। तो हम बात करते हैं पुनीत सुपरस्टार की हरकतों के बारे में। तो सबसे पहले तो पुनीत सुपरस्टार कभी कभी पुजारी बन जाते हैं, तो कभी कभी साधु बाबा, तो इनका तो कुछ ठिकाना होता ही नहीं है। लेकिन ये देखने के बावजूद भी उनको बिग बॉस में बुलाया, और बिग बॉस में बुलाने के बाद उनकी जो हरकतें हैं वही जो बाहर करते हैं वही अंदर की, लेकिन 24 घंटे में ही निकाल दिया। अभी जिन्होंने बाद में जब सारे कंटेस्टेंट से ये पूछा गया कि कौन कौन पुनीत को यहाँ पे इस घर में रखना चाहता है, तो जिन जिन लोगों ने कहा था कि हम रखना चाहते हैं, लेकिन जो जो लोगों ने ना बोला था कि हम यहाँ पे पुनीत सुपरस्टार को यहाँ पे नहीं रख सकते, वो सारे बंदे अभी बाहर हैं। तो चलो ये तो फाइनल हो गया कि पुनीत सुपरस्टार बाहर आके बहुत फेमस हो गया है। तो जैसे ही पहले दिन MC स्टैन ने पुनीत सुपरस्टार को क्रिंज बोलकर उसकी वैल्यू डाउन की थी, उसके बाद MC स्टैन को भी डाउनफॉल का सामना करना पड़ा। लेकिन तो बिग बॉस वाले सुधरने का नाम ही नहीं लेते, दूसरे दिन ही उन्होंने पुनीत सुपरस्टार को निकाल दिया। पुनीत सुपरस्टार को निकालने के बाद उनको भी डाउनफॉल का सामना करना पड़ा, मीन्स के जियो सिनेमा पूरा डाउन पे आ गया, मीन्स के कोई देखने के लिए मेन कंटेंट था वो तो निकल गया। तो उसके बाद हमारे वाइल्ड कार्ड में एंट्री होती है एल्विस भाई के शेष टाइम। बिग बॉस में एंट्री मारने के बाद एकदम ऊपर चढ़ गया बिग बॉस का पारा, और उसके बाद इतने व्यूज आने लगे, इतने व्यूज आने के इसका कोई हद नहीं है। तो जैसे ही बिग बॉस में अंदर एलिश यादव गए, वहाँ पे उन्होंने अपना सिस्टम शुरू कर दिया, और सिस्टम करने के बाद तो बिग बॉस में जब एलिश यादव गए उसके बाद अविनाश ने उससे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी, उसका रिजल्ट आप आज भी देख सकते हो। तो बिग बॉस वालों ने अविनाश को घर से बाहर ही फेंका। तो बिग बॉस में सिस्टम बजाने के बाद बिग बॉस के हाउस के अंदर ही उसके हेटर्स हो गए। तो कहते हैं ना कि जिसके पास खूबसूरती होती है उसके पास दिमाग नहीं होता, और जिसके पास दिमाग नहीं होता उसके पास खूबसूरती नहीं होती। तो जिसके पास खूबसूरती भी होती है और दिमाग भी होता है लेकिन उसके पास हाइट नहीं होती, मैं मनीषा की बात कर रहा हूँ, तो उसकी हाइट बड़ी छोटी है लेकिन काम बहुत बड़े हैं। बिग बॉस के घर पर जाते ही सारे लड़कों को प्रपोज कर रही है। पहले हफ्ते को तो जेल पता नहीं अंदर क्या कर रहा था कुछ, तो देखो बूढ़े लोगों को बिग बॉस के घर पे बुलाओगे तो वो क्या ही लोगों को एंटरटेन करेंगे। तो बात आती है पूजा भट्ट की, तो पूजा भट्ट आलिया भट्ट की बहन है, कौन से एंगल से पता नहीं, ये बिग बॉस के अंदर हैं भी या नहीं वो भी पता नहीं, और बिग बॉस के अंदर रहकर भी वो फ़ोन चला रही है, इसके पास फ़ोन है पता नहीं। तो चलो हमारे सूत्रों के अनुसार एक फोटो आई हुई है, फोटो में साफ साफ यह दिख रहा है कि जब पूजा भट्ट एक सोफे पे बैठी है, सोफे के बाजू में उसके पास फ़ोन है। तो देखो फ़ोन अलाउड ले जाना तो अलाउड नहीं है, फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो ये पूजा भट्ट के पास फ़ोन कहाँ से आया, और पूजा भट्ट के पास फ़ोन है तो सबके पास भी होना चाहिए, ये बात भी सही है। अगर ये बिग बॉस की विनर पूजा भट्ट बनती है तो बिग बॉस का क्या हाल होगा पता नहीं। तो जैसे ही बिग बॉस में सल्लू भाई ने एलिश यादव को एक टिप्पणी दी थी, वो टिप्पणी सल्लू भाई को बहुत महंगी पड़ गई। और फिर फॉलोअर्स की बात होती है कि हमें तो सब कुछ पता है हमारे फॉलोअर्स हैं। अरे फॉलोअर्स होंगे भाई, बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं? अगर अच्छा कंटेंट डालोगे, अच्छी बातें करोगे, मोटिवेशनल कॉमेडी फिटनेस, एक क्रिंज कंटेंट डाल के फायदा क्या? Okay.
जो बिग बॉस ने कांड किए थे उससे तो उनको डाउनफॉल का सामना करना ही पड़ा। जितने भी लोग बीच में आए थे सब डाउनफॉल में गए। तो उसके पास सल्लू भाई को भी था कि मैं भी थोड़ा डाउनफॉल में चला जाऊँ। तो उसके बाद तो उन्होंने ये टिप्पणी दी कि आपको अपने फॉलोअर्स को ज्वाइन करवाने के लिए 500 और 1000 रुपये लेने चाहिए। उसके बाद जो हाल हुआ आप देख ही सकते हो। तो अब बात आती है बिग बॉस की ट्रॉफी कौन ले जाने वाला है। तो ये पता लगाने के लिए पूजा भट्ट को तो हम माइनस में ही रखेंगे, क्योंकि पूजा भट्ट जिस हिसाब से अंदर रह रही है उसने क्या उखाड़ा बिग बॉस में, तो उसने बिग बॉस के घर के अंदर रहकर क्या उखाड़ा पता नहीं है। तो जब आपने एंटरटेनमेंट भी नहीं दिया तो आप बिग बॉस के घर पे है ही क्यों, और आप करने क्या आए थे, फेम बढ़ाने। तो इसलिए पूजा भट्ट का तो माइनस में लगती है। उसके बाद आती है जिया। तो जिया का तो कोई मतलब बनता ही नहीं अंदर रहने का, फिर भी हम मान लेते हैं वो तो नहीं आने वाले टॉप थ्री में तो ज़रा भी नहीं। तो उसके जैसे काम है इससे तो यही पता चल जाएगा, तो उसको तो विनर कोई बनाने वाला है ही नहीं। तो बिग बॉस के घर के अंदर 98 कैमरे के सामने एक बंदे को मारने की साजिश करने वाली ये एक ही है। तो जिसने इतने सारे कैमरे होने के बावजूद एक बंदे को मारने का दम रखती है, मतलब कि ये। तो अब बात आती है जो जिया ने एलविश के पानी में साबुन का पानी डाला था, तो इसकी ऐसी हरकतें देख के तो बिग बॉस को इसको विनर बनाने वाला तो कोई नहीं है। ये तो सिर्फ कंटेंट के लिए अंदर बैठी हुई है, लेकिन कंटेंट में क्या है इनका, बस इसको हंसने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। ये हमारा कंटेंट नहीं है, ये तो हम बाहर बैठ के भी देख लेते हैं। तो अभी रिसेंटली फुकरा इंसान के सपोर्ट के लिए एक इवेंट रखा हुआ था, तो ग्रैंड इवेंट था, उसमें 20,000 से ज़्यादा बंदे आए हुए थे, बहुत सारे क्रिएटर्स भी आए हुए थे। इसी के साथ एलविश यादव का भी बहुत बड़ा मीटअप हुआ था और बहुत ही जोरों जोरों से हुआ था, और उसमें तो यूट्यूब के आधे से ज़्यादा ही बंदे आ चुके थे। मखा मारी रीस तू के करेगी हम देसी बालक, देसी बालक गामा दे हम देसी बालक गामा दे, देसी बालक गामा दे हम देसी बालक गामा दे।